दिलचस्प है कि सियासी रोटी पलटने का पहला जिक्र शरद पवार ने इसी साल अप्रैल में किया था, लेकिन रोटी पलट दी भारतीय जनता पार्टी ने। तो क्या पूरे देश में एक ऐसा ट्रेंड शुरू हो गया है जहां पर गठबंधन बनाने के लिए पार्टियां जुड़ेंगी नहीं बल्कि पार्टियां तोड़ी जाएंगी? साथ साथ काम कर रहे हैं, कर रहे हैं और हम लोग एकजुट है। सुना, चर्चा कर रहा सर कि बिहार में एमपी लोगों को तोड़ दिया जाए, एमपी को तोड़ बिहार में से निकालो, बिहार कहाँ हिलता जुलता है। राष्ट्रीय जनता दल जदयू को तोड़ना चाह रही है, नीतीश कुमार जी को सीएम से हटा करके वो लोग खुद सीएम का पद लेना चाह रहे हैं और ये नीतीश कुमार जी को पता चल चुका है, पता चल चुका है तो अपनी रणनीति वो कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी से ज्यादा असत्य बोलने वाला बिहार का कोई पॉलिटिशियन नहीं हो सकता कभी भी। आप देख लीजिए, आप एक बार फिर पूछ लीजिए, कहेंगे हमको तो पता ही नहीं। अरे तो क्यों मुख्यमंत्री है भाई, झूठ के दलदल वाला यूनिवर्सिटी, यही है नीतीश बाबू का राज। बिहार में बयानों की ये आमद महाराष्ट्र में हुआ सियासी परिवर्तन है। 2024 के लिए विपक्ष की दो मुख्य उम्मीदें थी, पहला महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी, दूसरा बिहार का महागठबंधन। महाराष्ट्र में विपक्षी एकता को झटका लग चुका है, बिहार में जेडीयू में टूट की बातें उठ रही हैं। बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी टूट फूट का अंदेशा बेवजह है भी नहीं। हाल के दिनों में नीतीश ने अपने विधायकों और सांसदों से मेल मुलाकात तेज की है, बिहार के राज्यपाल से भी मिल चुके हैं। जेडीयू से राज्यसभा सांसद जिन हरिवंश नारायण सिंह से नीतीश नाराज थे, उन्होंने भी नीतीश से एक विशेष मीटिंग की है। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी आप लोगों ने दी, पैसा आप लोगों ने लिया, पूरी एक पेज की बुक लिस्ट रिलीज की थी जेडीयू ने कि किसको कितनी जमीन के बदले कौन सी नौकरी मिली, वो लोग भी जेल में। और एविडेंस के साथ जब सीबीआई ने मामला फाइल कर दिया, चार्जशीट फाइल कर दिया, तो आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी जी ने किया। क्या समस्या है? माल कमाइए आप, भ्रष्टाचार कीजिए आप, घोटाला कीजिए आप, सीबीआई को एविडेंस मिल जाए, चार्जशीट फाइल हो, तो दोषी हो गए मोदी जी। जेडीयू के लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 5 सांसद हैं। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के विधायकों से भी बात की। 245 विधायकों वाली बिहार विधानसभा में जेडीयू के 43 विधायक हैं। बीजेपी के बिहार विधानसभा में 74 विधायक थे। अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए बिहार में अगर टूट हो भी जाए तो सरकार बनाना आसान नहीं दिखता, क्योंकि वो बहुमत से काफी दूर रह जाती है। लेकिन अगर महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी टूट सकती है तो बिहार में भी कुछ भी हो सकता है। पिछले बार 17 सीट मिली थी, यानी क्या इस बार जनता दल को 17 सीट मिलेगी? और इसलिए और आज की स्थिति में 8-10 से ज़्यादा सीट मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जो सांसद हैं उनको भी लगता है कि पता नहीं उनका भविष्य क्या होगा। फिर नीतीश कुमार के बाद जनता दलियों का कोई भविष्य नहीं है, सारे लोग अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं और इसलिए एक भगदड़ की स्थिति है। वो जो सांसद हैं, विधायक हैं, दूसरे दलों से संपर्क कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि भगदड़ की स्थिति है। ये तो पता है कि जब आदरणीय नीतीश कुमार जी आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ मिल गए, नीतीश तेजस्वी की सरकार बन गई, तो पूरी तरह से भाजपा डर गई है। अब तो भाजपा के नाव को पिछले सावन में डुबाया था इस बिहार में, आने वाला सावन भी बीजेपी के लिए भारी है, ये एहसास भाजपाइयों को हो गया है, इसलिए अनर्गल प्रवचन करते रहते हैं। इसके अलावा जब से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमीन घोटाले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है, तब से ये माना जा रहा है कि नीतीश अपनी सुशासन बाबू की छवि को लेकर चिंतित हो गए हैं। दूसरी तरफ नई शिक्षक भर्ती नीति के चलते जेडीयू और आरजेडी में तनाव की स्थिति आ सकती है, यानी नीतीश के लिए थोड़ा बेचैनी भरे समय की शुरुआत है। पूरा बिहार जंगल राज में आप झोंक दिए हैं अपराधी और माफियाओं के और घोटालेबाजों के संरक्षण में आप चले गए हैं और आप आज घोटालेबाज माफियाओं के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नीतीश बाबू, आपके 18 साल के इस लंबे कालखंड में बिहार में कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई, कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं आया?
कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं आया? क्योंकि बाहर के लोग जानते हैं कि यहाँ शिक्षा से खिलवाड़ होता है और माफिया उसको मैनेज करते हैं। बिहार की राजनीति में अचानक तेजी से उछाल आ चुका है। नेताओं के बयान इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में वहाँ कुछ भी हो सकता है। जो लोग दूसरे की पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हमेशा ये डर सताता है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने दूसरों की पार्टी को तोड़ा, अब उनको अपनी पार्टी टूटने का डर सता रहा है। अब पानी नाक से ऊपर चढ़ गया था, यानी जो भी निर्णय हमारे थे उन सब निर्णय को तोड़ मरोड़ करके नीतीश कुमार या तो हाफ हैजर्डली इम्प्लीमेंट किया या तो नहीं किया। इसके लिए हमको जनता का जवाब देना पड़ रहा था, और जनता हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं, चाहे नेशनल काउंसिल में बैठक किया हो या कोर कमेटी की बैठक किया था, सब में जनता ने हमको इजाज़त दिया कि अब नीतीश कुमार के साथ आपको मिलना। दरअसल नीतीश जब से आरजेडी के साथ आए हैं, तब से बीजेपी का ये कहना है कि कई विधायक सांसद इससे नाराज हैं और पाला बदल सकते हैं। नीतीश एक डर पहले भी जता चुके हैं, जब उन्होंने अपनी ही पार्टी के आरसीपी सिंह पर पाला बदलने के कड़े आरोप लगाए थे। आप सोच सकते हैं, जिस आदमी को इतना अधिक हमने सम्मान दिया और वो इस डर की बात बोलता है। आप जान रहे हमारे दल से जुड़े हुए जितने लोग, उनको कितनी तकलीफ हुई है, कितना दुख हुआ है कि इस तरह की कोई बात बोलता है। तो इसलिए वो सब छोड़ ना दीजिए भाई, हम कहां से कहां ला करके कहां से कहां पहुंचाए। अब किसी के मन में कोई रहता अपना करो भाई, जहां रहना वहां रहो, जाओ, हो गया खत्म। इसी तरह यूपी में भी कयासों और अटकलों का बाजार गर्म है। बार बार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिनसे ये पता चलता है कि यूपी में भी अंदर खाने कुछ कुछ चल रहा है। कभी अखिलेश के सिपह सलार रहे ओपी राजभर समाजवादी पार्टी में ही टूटने की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। भाई आज भी कह रहा हूं कि जो मायावती जी अखिलेश जी को अंधविश्वास था, योगी जी ने तोड़ दिया। इन लोगों ने कहा था कि नोएडा और गाजियाबाद जो जाएगा दोबारा रिपीट नहीं करेगा, मुहर लगा दिया ना योगी जी ने, जाके इनके अंधविश्वास को तोड़ दिया। अब मैं दावे के साथ कहता हूं कि मायावती जी, अखिलेश जी, जितने भी मुख्यमंत्री हुए, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री है दौड़ने वाला, तो योगी जी समय दौड़ रहे हैं। तुलना करिए सबका। हम झूठ नहीं बोलते महाराज, हम सच बोलते हैं ना। सच थोड़ा सुनने में कड़वा लगता है। अखिलेश के सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी की पार्टी के भी बीजेपी के नजदीक आने की खबरें खूब सुनाई दे रही हैं। हालांकि तस्वीर कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन बातें हैं तो कोई बात तो होगी ही। महाराष्ट्र में जैसे ही सियासी घटनाक्रम आगे बढ़ा, जैसे ही एनसीपी में टूट हुई, वैसे ही कांग्रेस ने यहां पर नेता विपक्ष के लिए अपना दावा ठोक दिया। पर समूचे देश के नेता विपक्ष का क्या, क्योंकि शरद पवार की अगुवाई में ही विपक्षी एकता अलग अलग दिशा से आगे बढ़ रही थी। तो क्या 2024 के हिसाब से जब विपक्षी एकता की बात की जाएगी तो उसके नेतृत्व में कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा? शरद पवार प्लान बना रहे थे कि विपक्षी एकता का गठबंधन 2024 चुनाव के लिए कैसे होगा। शरद पवार कदम दर कदम रणनीति बना रहे थे, बाकी दल उनके साथ वैचारिक समर्थन की स्थिति में थे। अब जब सत्ता के महासमर में शरद पवार अपने ही घर के आंगन में पराजित से खड़े हैं, तो विपक्षी एकता का चेहरा कैसे तय हो? जितने डिसीजन हो गए, ये सब डिसीजन में ये लोग पार्टी थे या नहीं, और इसका एक सिंपल, जैसे आपने कहा कि भगवत फतेह साहब का नाम ले लिया, कि उन्होंने कहा कि ये इलीगल है, इलीगल है मेरा इलेक्शन, इलीगल है मेरा इलेक्शन। ये तो मीटिंग हो गई दिल्ली में, दिल्ली के मीटिंग में तारकोत्रा में कई हजार लोग थे, सबके सामने से इलेक्शन हो गया, अनअपोज हो गया। होने की अच्छा, एक जो प्रपोजल था प्रपोजल रखने में खुद थे। अलग अलग दलों के विपक्षी दलों के नेता ये तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के घटनाक्रम का विपक्षी एकता की कोशिशों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और विपक्षी एकता की कोशिशें जारी रहेंगी, लेकिन ये बात छुपी नहीं कि शरद पवार इसके मुख्य रणनीतिकार थे।
शरद पवार की वरिष्ठता और सुझाव सहयोगी दलों के लिए स्वीकार्य थे। शरद पवार ने ही अगली मीटिंग की तारीख और जगह तय की थी। विपक्षी गठबंधन की कोशिशों के सामने ये सवाल पहले भी था कि विपक्ष का चेहरा कौन। अब ये सवाल महाराष्ट्र घटनाक्रम के बाद से और भी जरूरी हो चुका है कि विपक्ष का मुख्य चेहरा अब कौन। राहुल गांधी संसद सदस्यता गंवा चुके हैं और भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर हैं। नीतीश बिहार में महागठबंधन एकजुट नहीं रख पाए। मांझी और कुशवाहा जैसे साथी छूट गए। पार्टी के अंदर भी उठापटक है। ममता की राजनीति पश्चिम बंगाल से आगे अधिक विस्तार नहीं ले सकी है। केजरीवाल पहले ही अपनी अलग राह पकड़ चुके हैं। अब बचे सीपीआई, सीपीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके और समाजवादी पार्टी। इनमें से कौन ऐसा नेता है जिस पर विपक्ष एकजुट हो सके? ये सवाल कुछ विपक्षी दलों के लिए बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता है कि कौन नहीं है वो ज्यादा महत्व रखती है, बजाय ये कि कौन कौन यहाँ पे हैं। और बिल्कुल सही कहा, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। मकसद हमारा ताकत हासिल करना नहीं है, इक्तदार हमारी मंजिल नहीं है। सत्ता की ये लड़ाई जो है ये नहीं लड़ी जा रही है, ये असूलों की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। दूसरी तरफ एनडीए का कुंबा बढ़ रहा है। बिहार से राजनीतिक साथी जुड़े हैं। जेडीयू और आरजेडी के असंतुष्टों पर नजर है। कर्नाटक में जेडीएस की तरफ से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। आंध्र में चंद्रबाबू नायडू फिर साथ आ सकते हैं। पंजाब में अकाली हालांकि साथ आने से मना कर चुके हैं, लेकिन बात तो उठने ही लगी है। यूपी में अपना दल साथ है और बाकी कुछ दलों की रणनीति कभी भी एनडीए के साथ कदम ताल कर सकती है। एनडीए की सूरत स्पष्ट होती जा रही है। विपक्ष की मुश्किलें कम होती दिख नहीं रही। 2024 के लिए जंग का एक एक दिन घटता जा रहा है। अगर महाराष्ट्र जैसा कुछ और राज्यों में हो गया तो 2024 के चुनाव से ज्यादा राजनीतिक दलों की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है।